हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच जाए, वो भी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस मज़ेदार डिलीशियस मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है, 1 लीटर है। अब इसे अच्छी तरह से हमें बॉईल करना है, तो दूध को अच्छी तरह से उबाल लीजिएगा। दूध में उबाल नहीं आई है, इसी दूध से हमें थोड़ा सा भी निकाल लेना है। थोड़ा सा हमें गुनगुना दूध चाहिए, इसमें हमें कस्टर्ड पाउडर को डाइल्यूट करना है, तो इसमें कस्टर्ड पाउडर को मिलाना है हमें। अब इस दूध को हमें उबाल आने देना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कस्टर्ड पाउडर को मिलाएंगे अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर की जो कस्टर्ड पाउडर मिलती है उसका यूज़ किया है। ये इजीली आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें से लूँगी, और इसे अच्छी तरह से गुठलियाँ नहीं रहने तक हमें इसे मिलाना है दूध के साथ। अच्छी तरह से मिलाइएगा ताकि कोई भी लम्स ना रहें। 2-4 मिनट तक अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से मिलाइएगा। तो देखिए हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो रेडी है एकदम। देखिए कोई भी लम्स नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारा जो दूध है अच्छी तरह से उबल गया है, इसमें बॉयल आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी का यूज़ किया है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है वो ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम चीनी पसंद है तो कम चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी को अच्छी तरह से दूध के साथ मिला लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पिघल जाए। अब हम क्या करेंगे, जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसे ऐड करेंगे, और लगातार कलछे को चलाते रहिएगा ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। अगर आप लोग अच्छे से नहीं मिलाइएगा तो जो कस्टर्ड पाउडर है ना दूध के साथ मिल के जम जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से चलाते रहिएगा कलछे की हेल्प से, ताकि कस्टर्ड पाउडर दूध के साथ मिलके लम्स ना तैयार कर सके। अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो देखिए मेरा कस्टर्ड का मिक्सचर देखिए कितनी अच्छी तरह से दूध के साथ मिल गया है, कोई भी लम्स क्रिएट नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ी देर तक दूध के साथ उबाल लूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर का जो स्मेल आता है वो ना आए। तो थोड़ी देर बाद देखिए दूध मेरा जो है और भी घना हो गया है, कितना जम गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 घंटे से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तब आप इसे रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए स्टोर कर लीजिएगा। तो देखिए ठंडा होने के बाद जो कस्टर्ड का मिक्सचर है और भी जम गया है, फ्रिज में रखने के कारण ये थोड़ा और जम गई है। बहुत ही अच्छी लगती है यम्मी यम्मी कस्टर्ड। अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैंगो को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मार्केट में बहुत तरह के मैंगो अवेलेबल है, आपको जो भी पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। अब क्या करेंगे, इस कस्टर्ड के मिक्सचर में मैंगो को हम ऐड करेंगे और इसे कलछे की हेल्प से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आधा से अधिक मैंने मैंगो इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी गार्निशिंग के टाइम पे। तो इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो देखिए हमारा जो कस्टर्ड है रेडी है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व कर दूंगी। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी एंड सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है। इसे ठंडा करके आप जब खाएंगे ना बहुत ही अच्छी लगती है। अब थोड़े से मैंगो चंक से मैं इसे गार्निश कर दूंगी, इससे क्या होगा इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़े से मैंने यहाँ पे बादाम का यूज़ किया है, इससे थोड़ा इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा आएगा। एलमंड्स यहाँ पे एकदम ऑप्शनल है, मैंने इसका यूज़ सिर्फ गार्निशिंग के लिए किया है। अगर आप लोगों को कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसकी जगह पे उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच जाए, वो भी सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स आज बस यही तक। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।